पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन ये बच्चे पढ़ेंगे। ये आप देख सकते हैं सरकारी स्कूल की तस्वीरें हैं, राजकीय उच्च विद्यालय पिचोलिया करनाल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बच्चे नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यही नारेबाजी, अगर यही पढ़ाई की बातें स्कूल के अंदर होती तो काफी ज्यादा अच्छा होता, लेकिन ये सभी के सभी बच्चे आप देख सकते हैं स्कूल के बाहर बैठने को मजबूर है। पूरा गांव एक तरीके से यहां पर इकट्ठा हो चुका है, गांव की महिलाएं यहां पर इकट्ठा हो चुकी है, और इस वजह से गांव यहां पर इकट्ठा हुआ है ताकि आज स्कूल को ताला जड़ा जाए, आज स्कूल के मेन गेट पर ताला लगा दिया जाए। ये सरकारी स्कूलों के हालात है, सरकारी स्कूलों के हालात है, जहाँ पर एक तरफ तो सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है सुपर 100 जैसे प्रोजेक्ट्स को लाकर, बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन अगर ये देश का भविष्य है तो देश का भविष्य वाकई में इस वक्त अंधकार में बैठा हुआ है। क्योंकि इन बच्चों का ये कहना है, इस पूरे गांव का ये कहना है कि इस पूरे के पूरे सरकारी स्कूल में दो टीचर्स के अलावा और कोई टीचर नहीं है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए एक एक टीचर भी यहाँ पर नहीं है। क्या नाम है बेटा आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी, मीनाक्षी पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ पर कोई टीचर है पढ़ाने को? नहीं, दो ही टीचर थे। कौन कौन से, कौन से सब्जेक्ट के? एक तो इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी, बाकी सब्जेक्ट्स कौन पढ़ा रहा है? कोई नहीं। तो पढ़ते ही नहीं हो? नहीं। कौन सी क्लास तक है ये पूरा का पूरा स्कूल? टेंथ तक के लिए कोई टीचर नहीं है यहाँ पर? कोई टीचर नहीं है टेंथ तक के लिए? बच्चे हैं, बच्चों से भी एक एक करके मैं बात करूंगी। क्या नाम है आपका? जसमीन। कब से पढ़ रहे हो स्कूल में? पहली कक्षा से। तो टीचर है यहाँ पर कोई? नहीं, कोई दो टीचर है। दो टीचर है? हाँ। इंग्लिश और हिंदी के? नहीं, संस्कृत और सामाजिक। कैसे पढ़ रहे हो? बाकी टीचर्स कहाँ है? बदली होगी। कब बदली हुई थी? अभी पिछले पीछे एक दो महीने हो चुके हैं बदली हो रही है। हाँ। उसके बाद कोई नहीं है? उसके बाद कोई नहीं है। और आज आप देख सकते हैं स्कूल के बाहर सभी के सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारे यहाँ गांव में स्कूल में टीचर कम है, जो हमसे संभाल नहीं हो रही है, इसलिए आप लोग कुछ रिक्वेस्ट करो जिससे यहाँ पे टीचर पढ़ाते हैं। लगभग एक महीना हो गया जी यहाँ पे बच्चों के इसी पढ़ते हुए। बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। भैया आपका क्या नाम है? रिंकू जी, ये स्कूल को आज आप ताला लगा रहे हैं, कारण क्या है? मैम एक्चुअली यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है टीचर्स की है, बच्चे काफी ज्यादा हैं और टीचर्स है नहीं है। बच्चे पढ़ते हैं टोटली स्कूल में अगर देखा जाए तो 500-600 बच्चे पढ़ते हैं, 600 बच्चे पढ़ते हैं। यस, और जो अभी कह रहे हैं कि 9th और 10th क्लास के लिए जो टीचर्स अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, अभी यहाँ टीचर से हम बात कर रहे हैं, टीचर्स कह रहे हैं कि हमारे टीचर हैं कुल 2 से 3 टीचर्स है, बस 2 से 3 टीचर हैं। बाकी सब्जेक्ट्स के 10th तक का स्कूल है? 10th तक का स्कूल है मैम, ये शुरू से 10th तक का स्कूल है, लेकिन अब इसको 8th तक करने के लिए बोल रहे हैं, सारे टीचर्स को ट्रांसफर कर दिया। 600 बच्चे हैं। हस्ताक्षर अभियान भी आप देख सकते हैं यहाँ पर चलाया जा रहा है, सभी लोगों के हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं, पूरे गाँव के हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। हाँ जी मैम, जितने बच्चे पढ़ते हैं उनके माता पिता के और जो भी गाँव के यहाँ ग्रामवासी आए हैं सबके साइन करवाए गए हैं। यहाँ पे टीचर की बहुत ज़्यादा कमी है, दो ही टीचर हैं पूरे स्कूल में, कम से कम 250 से 300 बच्चे हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है बच्चों की। हिंदी, मैथ, साइंस और ड्राइंग के टीचर तो बिल्कुल नहीं है, संस्कृत का और एक टीचर हो रहा है, बस दो ही टीचर है। हमने सर से भी अंदर बात की थी, सर बोल रहे थे हम यहाँ कैसे संभालेंगे बच्चे को, आप आगे कार्रवाई करवाओ, किसी से बात करो, DO को एप्लीकेशन दो। इस करके हमने एप्लीकेशन भी लिखी और हम आज DO को देने जा रहे हैं, DC ऑफिस में मिलेंगे जाके। हाँ जी, तो पहले कभी थे यहाँ पर टीचर या शुरू से यही? सारे शुरू से मैम, पहले बहुत टीचर थे यहाँ पे, अभी 3 टीचर का सारे सब्जेक्ट। हाँ जी, सारे सब्जेक्ट के टीचर थे, अभी ये जब से ट्रांसफर पॉलिसी आई है। हाँ जी, हाँ जी, ये जो ये हम इसी स्कूल में पढ़े हैं, हम टॉपर रहे हैं जी, हम 2000 में भैया टीचर्स थे, आप टॉपर जी, फुल टीचर थे जी, मैं 2006 से 2007 में टॉपर था जी, मेरे यहाँ स्कूल में फुल टीचर रहते थे हम, और बहुत ही अच्छी पढ़ाई चलती थी, सारे स्कूल के लगभग ज़्यादातर बच्चे यहीं पढ़ाई कर रहे थे। अब बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, कोई प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे टीचर नहीं है। कब से टीचर नहीं है? ट्रांसफर कब हुई है यहाँ से? जब 1 महीने से तो हम देख रहे हैं जी, बच्चे भी दो ही टीचर संभाल रहे हैं। 15 अगस्त को पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? 15 अगस्त को भी हम आए थे, जब भी यहाँ पे सिर्फ 2-3 टीचर संभाल रहे थे बच्चों को, ना कोई प्रोग्राम था, एक टूटी फूटी मेज पे प्रोग्राम कर रहे थे। जिनकी 8वीं की कक्षा है, 10वीं की कक्षा है, वो क्या करेंगे बच्चे? वो सर वैसे ही बैठे अभी कुछ नहीं है उनका काम, बच्चों का ऐसे बैठे रहते हैं, सारा दिन बैठते हैं। मेरा नाम इमरान है जी, इसी गाँव का रहने वाला हूँ। इसी गाँव के रहने वाले मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से, जो लगातार अपनी पीठ थपथपाते भी है, सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, इतना कुछ कर डाला बच्चों के लिए, ये हालात बच्चों के। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जी मुख्यमंत्री जी से, ये जो शिक्षा का जो मॉडल वो लेके आ रहे हैं, वो मॉडल
हमें ठीक नहीं लग रहा जी, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हमें ठीक नहीं लग रहा। वो बता रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों में डालो बच्चों को, प्राइवेट स्कूल में हम गरीब लोग अपने बच्चों को नहीं डाल सकते जी। प्राइवेट स्कूल में डलवा सकते हो आप अपने बच्चों को? अब बच्चे तो पढ़ नहीं पा रहे, करेंगे क्या आप सब? प्राइवेट बंदों की अपने बच्चों की गाड़ी कर ली, वो भी नहीं मिलती टाइम पर, हम जुमड़ा कैसे पहुँचा देंगे? क्या नाम है आपका? बतेरी है जी। बतेरी? हाँ जी। कितनी बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं इस बात के लिए? ये भी तो गाना तो ये भी करे हूँ, एक महीना हो गया। आज आज क्या करेंगे? आज सारा दिन यही बैठे रहेंगे? अब बैठे भी रहेंगे अपने बच्चे के लिए। इमारी दसवीं में ग्यारहवीं में बच्चे पैदा ना हुआ लड़की, तो आप देख सकते हैं उस तरफ आपको एक बार लेकर चलते हैं। स्कूल में ताला लगा दिया गया है, स्कूल के मेन गेट पर ताला लगाने की तैयारी है। देखिए ताला लगाने की तैयारी है, इस तरफ का गेट बिल्कुल बंद कर दिया गया है, उस तरफ का भी गेट बंद हो जाएगा और उसके बाद बच्चे सभी के सभी स्कूल के बाहर ही बैठ चुके हैं। तो बड़ी कक्षा की भी लड़कियां यहां पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मैम स्वीटी। स्वीटी, टेंथ क्लास से। टेंथ क्लास से। बोर्ड की आपकी कक्षा है, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? मैम कुछ नहीं पढ़ाई होती, सिर्फ संस्कृत और समाज की टीचर आई, ऐसे में हम क्या पढ़े मैम? स्कूल में टीचर होने बहुत जरूरी है। साइंस मैथ्स? साइंस मैथ्स किसी का टीचर नहीं है, मैथ वाले टीचर उनके अब पहले पहले भी नहीं थे, बस मैथ्स के टीचर थे। मैथ के दो साल से साइंस का टीचर नहीं है हमारे स्कूल में, और मैथ के भी टीचर अभी बदली हो जाएगी। अगर बंद हो गया तो क्या करेंगे? बाहर पढ़ना नहीं छोड़ सकते मैम, बाहर कोई भेजता नहीं, बाहर कोई भेजने का नहीं सबको। यस मैम, वैसे तो बेटी बचाओ बेटी बचाओ सब कहते हैं मैम, फिर बेटियों को कैसे बचाएं मैम जब शिक्षा ही नहीं है अपने गांव में? अपने गांव में ही पढ़ सकते हैं मैम सबसे पहले तो। सपने तो दिखाई देते हैं बहुत मैम, सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, पर कैसे पूरे करें हम? ये बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं ये बच्चियाँ, लेकिन इनके लिए कोई भी सरकारी टीचर नहीं है सरकारी स्कूल में जो इन्हें पढ़ा पाए, जो इन्हें अच्छी शिक्षा दे पाए। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील की जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ऐसा नहीं है कि ये करनाल जिले का कोई पहला ऐसा सरकारी स्कूल है जिसमें ऐसे हालात है, इससे पहले भी अलग अलग स्कूलों के हमने हालात दिखाए हैं, लेकिन जब से ये ट्रांसफर पॉलिसी आई है तब से तो वाकई में बहुत ज्यादा बेड़ा गर्क हो चुका है। क्योंकि बहुत सारे स्कूल ऐसे देखे जाते हैं जहाँ पर या तो टीचर्स होते नहीं है, उनकी ट्रांसफर कर दी जाती है, और कुछ स्कूलों में ऐसा देखा जाता है कि एक ही सब्जेक्ट के दो दो तीन तीन टीचर वहां पर लगा दिए जाते हैं जिनका कोई भी यानी कि उपयोग में नहीं होती चीजें। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नीता देवी है जी। आपके बच्चे पढ़ते हैं? मेरे बच्चे पढ़ते हैं जी। हाँ कब से? मेरे बच्चे तो यहाँ एक आठवीं मैं जी, एक छठी मैं जी, और एक गर्मी में गई है जी। यहाँ से टीचर नहीं है? नहीं हम टीचर नहीं है जी, हमें माँ बाप है जी, बच्चे आ गए जी। हम नया टीचर चाहिए, यहाँ टीचर नहीं है जी एक अभी। अरे हम चाह जी स्कूल की प्लस टू तक होना चाहिए जी, आप अंदर जाकर देखो यहाँ की बिल्डिंग बिल्कुल खस्त हो रही जी, ऐसा है लैंटर भी गिर सका जी, बच्चे मर गए जी, हम कौन जिम्मेदार होगा इनका? यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं जी, पानी की सुविधा नहीं है जी, बच्चे कोई सुविधा नहीं है जी, लाइट भी नहीं है जी, पंखे भी नहीं है, लाइट नहीं है, पंखे नहीं है, सफाई कर्मचारी नहीं है, कोई साफ सफाई नहीं है, बच्चों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर कोई नहीं है, टीचर्स है नहीं, तो बच्चे स्कूल में आकर आखिर करेंगे क्या? मेरी आप सभी लोगों से यही अपील की जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।